से ठीक 24 घंटे के अंदर न केवल मऊ का घोसी का बल्कि पूरे देश का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका होगा। और पिछले 6 चरणों में जो माहौल बना है, मैं समझता हूं घोसी वाले किसी से पीछे रहने वाले नहीं होंगे। जहां ये मऊ की सरजमी, घोसी की सरजमी ऐतिहासिक लोगों की कर्म भूमि रही है, वही इस सरजमी से राजीव राय जी को उम्मीदवार बनाया गया है। न केवल राजीव राय जी को चुनाव जिताने के लिए बल्कि देश के संविधान को बचाने के लिए मऊ के लोगों इस बार आपको वोट डालना है। आपको वोट इस बात के लिए भी डालना है कि देश का संविधान भी बचाना है, देश के अंदर लोकतंत्र भी बचाना है, देश के अंदर जाति जनगणना भी करानी है, देश के अंदर आरक्षण भी बचाना है, देश के अंदर महंगाई भी कम करनी है, देश में अग्निवीर की योजना भी खत्म करनी है, देश में हमारे किसान भाइयों को कर्ज को भी माफ करना है और किसान भाइयों पर भविष्य में कर्ज न चाहे ऐसी कानूनी व्यवस्था भी इस चुनाव के माध्यम से आप ही को करनी है। मेरे साथी सत्य नेताजी कहते थे कि दुनिया की सबसे बहादुर फौज हर कहीं की है तो हमारे हिंदुस्तान की है। उस बहादुर फौज का भी मनोबल अगर किसी योजना से गिर रहा है तो ये अग्निवीर की योजना से गिर रहा है। और इसीलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अग्निवीर की योजना को स्थायी तौर पर खत्म करके जैसी पहले फौज की भर्ती होती थी उस भर्ती को करने का काम आने वाली इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। मेरे साथ जहां इंडिया गठबंधन नौकरियां देगी, अग्निवीर खत्म करेगी, वही हमें और आपको सबको मिलकर उन बीजेपी के लोगों को भी सबक सिखाना है जो लोग 10 साल से नौजवानों को गुमराह कर रहे थे। कह रहे थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। बताओ 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए होते तो आज 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलते, और जब 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलते तो बताओ देश के अंदर एक भी बेरोजगार रह जाता क्या। इसलिए मैं इस मौके पर कहूंगा ये बीजेपी के लोग सोच रहे थे कि हम अपने गरीब भाइयों को राशन से प्रभावित कर लेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन ने ऐसा वादा कर दिया है कि हम अपने गरीब भाइयों को न केवल दूना आटा देंगे बल्कि सातवें नौजवानों को डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। साथियों तो बताओ साथियों इन तमाम योजनाओं के लागू कराने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए बताओ हमारे इंडिया गठबंधन को जिताओगे कि नहीं जिताओगे। साथियों ऐतिहासिक वोटों से जिता देना, यहां से हमारे उम्मीदवार राजीव राय साहब को, जिससे घोसी की जो पुरानी परंपरा रही है, जो शानदार गौरवशाली इतिहास रहा है, उस इतिहास को साथी राजीव राय जी आगे बढ़ा सके इतना उनको सहयोग दे देना, समर्थन और आशीर्वाद दे देना। आजमगढ़ के आप सबके आशीर्वाद से बहुत से साथी बैठे हैं, सारे कलाकार साथी आजमगढ़ का चुनाव खत्म करके आज घोसी में आए हुए हैं, सबने बहुत समर्थन दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है और घोसी और मऊ भी आजमगढ़ का ही हिस्सा रहा है। तो बताओ मेरे साथियों आजमगढ़ से कमी तो नहीं रखोगे, आजमगढ़ की जो लीड होगी उससे कम तो नहीं आओगे घोसी वालों, जिताओगे राजी भाई को बड़े लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री माता।